सुप्रभात बच्चों, आप लोग सबसे होइएगा इस बात कि मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में आ जाइए, रम जाइए। कल मैं आपको क्या पढ़ाया था, द्वीप समूह के बारे में मैं आपको बताया था। इसके कुछ शेष अंश रह गए थे, उसको आज मैं पूरा कर देता हूं। निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। यहाँ के मूल निवासी प्रायः मंगोल जैसे होते हैं। ये रोमन लिपि में निकोबारी पढ़ते हैं। इन अंग्रेजी के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इन द्वीपों में गंदगी नहीं दिखाई देती। अधिक वर्षा होने के कारण कूड़ा कचरा जितना भी है अवांछनीय पदार्थ वर्षा के पानी के साथ दह करके और समुद्र में चला जाता है। गांव के घरों में के आसपास कटहल का पेड़, पीपल का पेड़, पपीता का पेड़, केला, ये सब के पेड़ लगाने का रिवाज है। इसमें कटहल का, पपीता का और केले का पेड़ जो है ये लगाने का रिवाज है वहाँ का। यहाँ घर कुछ कुछ अंडे जैसे गोल होते हैं। यहाँ के घर की बनावट अंडे के आकार की होती है। फर्श जमीन से 6-7 फुट ऊंचाई पर होते हैं। पूरा घर एक कमरे के रूप में होता है। इसमें कोई खिड़की नहीं होती। हवा फर्श के तख्तों के छेदों से होकर ही आती है। इनके घरों की बनावट बहुत ही सुंदर होती है। एक गांव में 8-10 घर होते हैं। उनका एक मुखिया होता है, इसे कैप्टन कहते हैं। यही आपसी झगड़ों का निपटारा करता है। पहले लेन देन के रूप में नारियल का इस्तेमाल किया जाता था। किंतु अब ये लोग रुपए पैसे को पहचानने लगे हैं। नारियल, लकड़ी, शंख तथा सिप की बनी सुंदर चीजें बनाकर बेचते हैं। मतलब मोटा मोटी यहाँ के लोग उद्यमी हैं, कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं और बड़ा ही खुशी से अपना जीवन जीते हैं। यहाँ का घर जो है सो कि अंडाकार होता है और फर्श जो होता है उसका 6-7 फुट ऊंचे पर होता है। रोशनदानी की व्यवस्था होती है। घर में हवा आने की कहीं से कोई कमी नहीं होती है। रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। और समाज के इर्द गिर्द कहीं कोई अचरा कचरा नहीं रहता। बड़ा ही पवित्र साफ सुथरा समाज होता है। क्योंकि जो भी गंदगियाँ होती है वर्षा के जल के साथ घुलकर और वो समुद्र में चला जाता है। यहाँ के घर के आसपास
कटहल, पपीता, केला, ये सब का वृक्ष पेड़ लगाया जाता है। ये वहाँ के लोगों की ये धारणा है कि घर के इर्द गिर्द ये सब पेड़ होना चाहिए, है ना। यद्यपि पूरे घर में कमरे ही होते हैं, इसमें कोई खिड़की नहीं होती है, फर्श के तख्ते से होकर के यहाँ हवा आती है ना। तो यहाँ की कुछ अलग बनावट है। और गांव के हर आठ घर दस घर को मिलाकर एक मुखिया चुन लिया जाता है और उस मुखिया को वहाँ कैप्टन बोलते हैं। और उस आठ दस घर के बीच जो भी कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है ना, उसको वही मुखिया जो है सो हल करता है। पहले जब पैसा को लोग नहीं पहचानते थे तो लेन देन के रूप में नारियल के फल का प्रयोग होता था, लेकिन आज के रेट में लोग नारियल को साइड कर दिए हैं, रुपए पैसे को पहचानने लगे हैं, है ना। नारियल की लकड़ी और भी लकड़ियां, शंख सीप, सबसे पीछे का लाइट जल रहा है। किंतु अब ये लोग रुपए पैसे को पहचानने लगे हैं और नारियल का इस्तेमाल अब लेन देन में नहीं करते। निकोबार द्वीप पुंज की राजधानी कार निकोबार है। हरियाली से ढका यह द्वीप नारियल, केले, सुपारी के वृक्षों और हरी भरी पहाड़ियों में सुशोभित। अंडमान का सा डरावनापन यहाँ नहीं। सांस्कृतिक दृष्टि से इन द्वीपों का बहुत महत्व है, ठीक है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इन द्वीप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह क्रांतिकारियों का तपोभूमि रहा है। हमारे लिए यह तीर्थ के स्वरूप है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण तो ये सैलानियों का स्वर्ग। तो ये अंडमान जो द्वीप समूह है, इसकी राजधानी कार निकोबार कहलाता है। ये चारों ओर से हरियाली से ढका हुआ द्वीप है। नारियल, केले, सुपारी के वृक्ष हरे भरे पहाड़ियों पर शोभायमान होता है। यहाँ का दृश्य, निकोबार का दृश्य अंडमान की तरह डरावना नहीं है। इस द्वीप का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह द्वीप जो है क्रांतिकारियों का तपोभूमि रहा है। यहाँ लोग तीर्थाटन करने के उद्देश्य से आते हैं। तीर्थाटन में कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल यहाँ नहीं है, लेकिन
प्राकृतिक सुंदरता मानव तीर्थ के स्वरूप का है, उसी को देखने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। कहा गया है कि यह सैलानियों का स्वर्ग स्थली है। यहाँ बहुत कुछ है ऐसा जो सुंदर था, ऐसा जो सुंदर था, बहुत कुछ ऐसा जो परस्पर भिन्न भी था, किंतु यह विभिन्नता और नाना रूप विखेरता सौंदर्य सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि विभिन्नता में ही वास्तविक एकता होती है। समय हमें विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का वह गीत याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा है, हे मेरे चित्त, इस पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे जागो, इस भारत के महामानव रूपी सागर के तीर पर यहाँ खड़ा होकर दोनों बाहें बढ़ाकर मैं नर देवता को नमस्कार करता हूँ। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने एक गीत की रचना की थी, वह है कि हे मेरे चित्त आत्मा राम, इस पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे जागो, इस भारत के महामानव रूपी सागर के तीर पर यहाँ खड़ा होकर दोनों बाहें बढ़ाकर मैं नर देवता को नमस्कार करता हूँ। उदार छंदों में परम आनंद से मैं उनकी वंदना करता हूँ। ध्यान गंभीर ये जो पर्वत हैं नदी रूपी जप माला को धारण किए हुए जो विस्तार मैदान हैं यहाँ इस पवित्र धरती पर इनको सदा देखो। कोई नहीं जानता इसके बुलाने पर कितने मनुष्यों की धारा दुर्निवार स्रोत में कहाँ से आई और इस भारत के महामानव रूपी समुद्र में विलीन हो गई। यहाँ आर्य द्रविड़ चीनी शक ऊन पठार मुगल सब एक देह में लीन होते हो गए हैं। माने जाति की कट्टरता वहाँ नहीं है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म अलग अलग संप्रदाय के लोग जरूर हैं, लेकिन विचार एक सूत्र में बना हुआ है। आइए सबको अपने में समा लेने वाली इस विशाल हृदया भारत माँ को नमस्कार करें और हिमालय की बेटियों के स्पर्श से पवित्र किए गए इन महासागर के तीर्थ जल में इनका अभिषेक करें। ये विष्णु प्रभाकर जी लिखे हैं। भारत माता अद्वितीय है, मतलब भारत माता के समान, इस भारत भूमि के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं। यहाँ के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ के भौगोलिक वातावरण, नदी नाले नदियाँ पहाड़ पर्वत झरने पेड़ पौधे की अपनी एक अलग पहचान है और विभिन्न क्षेत्रों में
रहने वाले लोग, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कट्टर बाधिता ज़्यादा है। सभी एक दूसरे से बैर की भावना रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन ये सब क्षेत्र की जब जानकारी आपको मिलेगी तो आप बहुत खुश हो जाइएगा। वहाँ भी समाज है, वहाँ भी हर जाति धर्म संपन्न प्रदाय मजहब के लोग वहाँ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ वाला कट्टरपंथिता कट्टरवादिता नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन प्रेम भाव जो है एक दूसरे के प्रति वैसा ही है मानो वो दिल एक जान है। यही कारण है आज निकोबार द्वीप तीव्र गति से समाज की मुख्य धारा में समा रहा है। जो चीज पहले नहीं थी वहां, आज उस चीज को देखने को मिलती है। वहां के लोग के प्रयास से हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर को तो बना लिया, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट एक और है कि प्राकृतिक सुंदरता उसको एक और प्लस पॉइंट है। हम लोग के यहाँ कोई प्राकृतिक सुंदरता तो है नहीं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भौतिक सुंदरता के कारण देश विदेश से लोग उस प्राकृतिक छटा को देखने के लिए आते हैं, आनंद लेते हैं, मानो कि सैलानियों का यह स्वर्ग स्थल है। जिस प्रकार स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख की तो वहां कोई नाम नहीं है, उसी प्रकार सैलानियों के लिए ये सब क्षेत्र जो है निकोबार द्वीप मानो एक स्वर्ग का आलम प्रस्तुत करता है। वे वहाँ बहुत दिनों तक रहते हैं और तो फिर अपने घर पर लौट जाते हैं। सेलुलर जेल के बारे में पाठ में क्या लिखा है, ये सेलुलर जेल के बारे में पाठ में यही लिखा है कि उस समय जो है ना अंग्रेजों का शासन था और भारत की आज़ादी के लिए जो हमारे वीर सपूत भारत माता के वीर सपूत आवाज़ बुलंद करते थे उन्हें पकड़ कर और वहीं भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ का पानी काला पानी था, समझे कि नहीं, वहाँ का काला पानी था और वहाँ के वहीं एक सेलुलर जेल था जिस जेल में कैदियों को रखा जाता था। बहुत से कैदी तो वहाँ की जलवायु से ही मर जाते थे और जो शेष बचते थे उनसे बहुत सा काम करवाया जाता था, जंगलों की सफाई करवाई जाती थी। वही सेलुलर जेल था उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर
लोग नहीं रहते थे, बहुत ही कम आदिवासी टाइप के लोग सब जंगल में रहा करते थे, नहीं तो वहाँ कोई समाज नहीं था, आज की तरह विकसित समाज नहीं था। किसी सेलुलर जेल में ला करके और क्रांतिकारियों को रख दिया जाता था। आज भी वह सेलुलर जेल है जिसके दीवारों पे भारतीय क्रांतिकारियों की सूची लिखी हुई है। आज तो खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन सेलुलर जेल वही। अंडमान की मुख्य फसलें आपको मैंने पढ़ाया है कि अंडमान में 204 द्वीप समूह, किसी द्वीप का क्षेत्रफल कम है तो किसी का ज्यादा है, या द्वीप जो है अनंत समुद्रों के बीच में हरे भरे पनों से आच्छादित है और पहले तो यहाँ खेतीबाड़ी नहीं की जाती थी, लेकिन आज अंडमान का प्रधान उपज नारियल, सुपारी, रबर शुरू का था, लेकिन आज धान की भी पैदावार हो गई। आय का मुख्य साधन जंगल से लकड़ी काट के लाना और मछली पालन करना, मछली मारना और उसी को बेचना। तो अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 204। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यही स्थगित की जाती है। धन्यवाद।